हेलो दोस्तों, मेरे इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब ट्रांसफार्मर से जो बिजली आती है डीसी में कन्वर्ट होकर, डीसी में तो ऐसे नहीं, ठीक है, जो 44-40 को या 30-55 को किसी भी बोर्ड के लिए ज़रूरी है, तो उसको डीसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए, तो एक आप एक डायोड से भी बना सकते हैं या चार डायोड से भी बना सकते हैं। और ये इस तरीके से कुछ कंडेंसर चाहिए। आप जितना अच्छा कंडेंसर लगाइएगा उतना अच्छा आपका क्वालिटी मिलेगा, ठीक है। तो इसे कैसे बनाएंगे, इसे क्या करना पड़ेगा, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इस तरीका का देखिए डायोड है, ठीक है, ये डायोड है और ये डायोड का नंबर है, वन मिनट मैं दिखाता हूँ कि डायोड का कितना नंबर है। मैं इसे निकाल लेता हूँ, पहले मैं ये बता देता हूँ, कन्फ्यूज़न होता है कि इसमें से जो डायोड है इसमें से कौन सा प्लस होता है कौन सा माइनस होता है। तो ये जो आपको वाइट दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये जो वाइट दिख रहा है ये वाइट वाला, ठीक है, तो ये जो वाइट वाला होता है वो प्लस होता है, ठीक है। ये जो भी आपको वाइट दिख रहा है, कहीं कहीं कन्फ्यूजन होता है कि ये वाइट वाला हो वो माइनस है क्या, तो ऐसा बात नहीं है, ये जो वाइट वाला है वो प्लस है, ठीक है। और ये देखिए लिखा हुआ है, ये जो डायोड है उसका नंबर तो क्लियर रूप से पता नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ इतना जरूर पता चल रहा है, ठीक है, कि ये जो नंबर है ना ये 6 एम्पियर में है। देखिए 6 यहाँ पर लिखा हुआ है और ए यहाँ पर लिखा हुआ, यानी 6 एम्पियर में है, ठीक है। तो ये डायोड है और ये इस डायोड को मैं क्या करूँगा कि आपको ब्रिज करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो ब्रिज करने के लिए कोई ऐसे एक डायोड से भी वो काम होता है, जैसे अगर 12 वोल्ट का आपका पास में ट्रांसफार्मर है और वो एसी करंट है और उसमें अगर चाहते हैं कि आप डायरेक्ट उसे एम्पलीफायर बोर्ड में दें, जैसे 44-40 का बोर्ड होता है उसमें, तो आप एक डायोड से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं दोनों तरीका बताऊंगा, उसके लिए भी और इसके लिए भी। तो पहले मैं वही वाला बता देता हूं, ठीक है, कि एक डायोड से भी और एक कंडेंसर से भी आप चला सकते हैं क्या, तो चला सकते हैं क्या बोलते हैं कि 44-40 बोर्ड को चला सकते हैं। तो इसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, आप ये जो देखिए ये आपको दिख रहा माइनस, ये माइनस देखा, ये कंडेंसर है 4700 माइक्रोफराइड में 50 वोल्ट में, तो और वो जो कंडेंसर आप लगाइए तो कम से कम 3300 या 4700, ऐसे बेहतर तो 4700 होगा, इससे बेस क्वालिटी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये जो माइनस है ये साइड वाला माइनस है, ये साइड वाला पूरा जो ब्लैक दिख रहा है पूरा का पूरा माइनस है, तो इस माइनस को इस माइनस पे दीजिए इस तरीके से, ठीक है, दे दिए। और इस तरीके से देने के बाद ये जो छोर बचा, अब कौन बचा, एक ये बचा और एक ये बचा, तो ये दोनों में आप ट्रांसफार्मर का कोई भी करंट इसको में या कोई भी उसमें से दो करंट जो आएगा, ठीक है, 0-12 आप इसमें ये वाला में और ये वाला में दे दीजिए, ठीक है, और ये दोनों में दीजिए। और ये जो दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट बोर्ड से कनेक्ट होगा, बोर्ड का ये माइनस होगा और ये बोर्ड का ये प्लस होगा, ठीक है, बोर्ड का ये माइनस होगा और ये बोर्ड का प्लस होगा, और यहाँ से ये वाला एक ये एक इस पर देना है ट्रांसफार्मर का वायर, ट्रांसफार्मर इस का जो दो छोर होगा 0-12, तो आप 12 इस पे दीजिए तो 0 यहाँ पर देना पड़ेगा, 0 यहाँ पर दीजिए तो 12 यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से हुआ, ये एक डायोड और एक कंडेंसर से, ठीक है, और ये तो पता है कि ये वाला दोनों एकदम ज्वाइन होगा किसमें, तो बोर्ड में, ठीक है। तो ये तो इतना हुआ एक का, ठीक है, अगर बनाना है दोनों के लिए, अब तो अब दोनों के लिए क्या कैसे करना पड़ेगा, तो दोनों के लिए करने के लिए क्या होगा, जैसे चार डायोड से बनाना है तो अब क्या करना पड़ेगा, तो चार डायोड से बनाना है तो ये देखिए प्लस प्लस आपको दिख रहा है, तो ये प्लस प्लस वाला का एक में कीजिए, ठीक है, ये मैं प्लस प्लस का एक में कर रहा हूँ, तो ये रहा प्लस का एक में किए, ठीक है, इसे आप सोल्डिंग कर लिए तो ज़्यादा बेहतर है, ये प्लस प्लस का एक में, और एक ये फिर से जो दो बचा, चार डायोड चाहिए तो जो माइनस माइनस है उसको एक में, ठीक है, तो यहाँ पर से प्लस प्लस एक में माइनस माइनस एक में, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो पहले में से माइनस माइनस भी एक ग्राउंड ग्राउंड के साथ में, ये जो माइनस वाला है दोनों है ना, ये दोनों, तो उसे भी एक साथ में कर लेते हैं, प्लस वाला कर चुके थे, ये प्लस वाला कर चुके हैं, अब माइनस वाला कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये इस तरीके से कर लिए, तो इसे भी एक ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, इसमें भी इसे हम क्या कर लिए, ज्वाइन कर लिए, तो अब ये ज्वाइन हो गया पूरा बिल्कुल। और अब जो ये बचा इसको भी इस तरीके से ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसे भी ज्वाइन कर लेते हैं, तो अब ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से हुआ, और इसे भी यहाँ पर ज्वाइन कर लें, और ये इस तरीके से हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें कहाँ पे एसी जो करंट होता है ट्रांसफार्मर वो कहाँ पे जुड़ेगा, तो वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा ना, अब ये देखिए इस तरीके से मैं जोड़ लिया, अब इस तरीके से जोड़ने के बाद आप अब इसमें क्या करना है कि ट्रांसफार्मर वाला वायर कहाँ पर दीजिएगा जो एसी करंट होगा, तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है,
यहाँ पे और यहाँ पे ट्रांसफार्मर वाला दीजिए, और ये जो निकलेगा और ये जो निकलेगा, ये जो दोनों निकलेगा, ये प्लस है, ये प्लस वाला है, क्योंकि देखिए वाइट वाला है ना, तो ये प्लस वाला हुआ और ये क्या हुआ, माइनस वाला हुआ। और इसी के साथ में ये जो करंट निकलेगा ये जाएगा बोर्ड में, लेकिन बोर्ड में जाएगा, लेकिन उसके पहले आप ये कंडेंसर यूज़ कर लीजिएगा, शायद उसमें रहेगा बना हुआ कंडेंसर, उसमें लगा हुआ होगा, तो ये दोनों डायरेक्ट बस खाली प्लस माइनस चला जाएगा। लेकिन अगर लगा हुआ नहीं है, उसमें कमजोर लगा हुआ, तो इस तरीका का आप लगा लीजिए पहले, ठीक है, सोल्डरिंग कर लीजिएगा। इसमें माइनस वाला देखिए, ये दिख रहा माइनस, तो ये साइड में जाएगा, ठीक है, ये साइड में जाएगा, और ये जो प्लस दिख रहा है ये वाला, तो ये साइड में जाएगा। अब ये दोनों इस तरीके से ज्वाइन करके, जैसे ये वाला हुआ ना, तो ये वाला हुआ ये साइड, और ये माइनस वाला हुआ ये साइड, तो ये दोनों को ज्वाइन करके अब ये जो इसी पर से फिर दो को जो निकलेगा, ये यहीं पर से, ये यहाँ पे होगा, ये वाला भी यहाँ पे होगा, जैसे कि ये वाला यहाँ पे दिए और एक निकाल लिए, और फिर ये वाला यहाँ पे दिए और फिर एक निकाल लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हुआ, अब अपने अब बोर्ड में यूज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा से होगा। और आप कोशिश कीजिएगा, अगर 44-40 है, ठीक है, या कोई भी 30% भी हो, जो भी, तो ग्राउंड अगर आप ये जो ग्राउंड है ये वाला, ये डायरेक्ट आप बॉडी में ही कर दीजिए, फिक्स करके या सोल्डिंग कर दीजिएगा बॉडी में, ये वाला, ठीक है, इस पॉइंट को, ताकि जो हमिंग प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो। ऐसे भी कंडेंसर बेहतर रहेगा ना, तो हमिंग प्रॉब्लम भी कम होगा। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। तो हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ट्रांसफार्मर से लाइन निकले ऐसी हुई, तो इसे डिस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर इसे कंडेंसर को यूज़ किया जाए तो हमिंग प्रॉब्लम भी काफ़ी और कम होगा, जितना अच्छा लगाया जाएगा उतना कम होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी ओपन कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुँच पाए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।